एक्सपेरिमेंट को किया और मैंने देखा कि मैंने एक हफ्ते ऑनलाइन पढ़ के देखा और एक हफ्ते मैंने ऑफलाइन पढ़ के देखा, तो ज़्यादा बेनिफिट किस में रहा। ठीक है, इसको मैंने खुद ही और प्लस जो मेरे ग्रुप्स हैं उस पर भी मैंने ये सब एनालाइज किया, जिन बच्चों के स्कोर अच्छे आ रहे हैं मतलब हमारे कोर्सेस में, तो उनसे मैंने पूछा कि आप वीडियोस ज़्यादा देख रहे हो कि ज़्यादा मतलब बुक से पढ़ के रहे हो, तो उनका यही जवाब था, सर वीडियोस हम लोग देखते हैं, जब हम फंसते हैं तो हम वीडियोस देखते हैं, अन्यथा हम बुक से पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ से एक चीज़ को क्लियर हो गई कि बुक तो आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन लेटे लेटे किताब यानी वीडियोस देख करके तुम्हारा काम हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ, 10 वीडियो दिन भर में देखो और 10 वीडियो को दिन भर में देख करके एक घंटे दो घंटे के रेस्ट ले लो, फिर उसके बाद एक घंटे शाम को बैठो और लिखो कि कितने टॉपिक तुमने पढ़े हैं। मैं लिटरली कह रहा हूँ कि आपने 10 वीडियो देखे होंगे तो उसका 10% भी आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ आप मैथ पढ़ते हैं तो बिना पेन के, आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो बिना पेन के, ये एक बीमारी है भाई साहब। आप सोचिए कि इतने इंस्टीट्यूट होने बावजूद, आप ऑनलाइन इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, फिर भी मेरिट बढ़ नहीं रही, मेरिट वहीं की वहीं है। चाहे आप यूपी के कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, मेरिट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है 2016-18 से लेकर के आज तक, मेरिट और डाउन ही हुई है, रीज़न आप साफ जानते हैं। ठीक है, सिविल्स के एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पर भी खास परिवर्तन देखने को मिला कि बहुत एक्स्ट्रा जंप हुआ। रीज़न क्या है भाई साहब? रीज़न ये है कि बच्चा आज ऑफलाइन पढ़ना एकदम पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने में उसे कोई दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वीडियो खोला फटाक से देखा और ख़त्म करके बैठ गए, उसके दिमाग में एक चीज़ हो गई, हमने तो पढ़ लिया, बात ख़त्म। दूसरी चीज, आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछ सकते, कमेंट पढ़ते हैं तो टीचर उसी कमेंट का जवाब देता है जिसको उसे आता है या फिर जो रिलेवेंट उसको लगता है कि हाँ इसी के जवाब देना देंगे, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे उसका। ऑफलाइन में क्या है भाई साहब, 100 बच्चे बैठे हैं, आप टीचर से पूछोगे तो वो आपको बताएगा, नहीं बताएगा 100 बच्चों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। ऑनलाइन में ऐसा कुछ होता नहीं है, बेइज्जती होने वाली कोई बात नहीं, इसलिए मैं ऑनलाइन को प्रेफर नहीं करता हूँ। ऑनलाइन एक माध्यम अच्छी चीज़ है कि यदि आप ऑनलाइन पढ़ें, यदि किसी टॉपिक में फंस रहे हैं तो आप ऑनलाइन जाइए, उस टॉपिक को केवल जाकर के सर्च मारिए, उसको देखिए और ख़त्म करिए, और वो भी इस ऐसे बंदे से देखिए जिसको ठीक ठाक नॉलेज हो। ठीक है, ऐसे नहीं मतलब किसी से भी उठा करके कुछ भी पूरी किताब छुपवाए पढ़ाए, उससे थोड़ा सा बचिए। दूसरी चीज़, आज जो बच्चे ऑनलाइन लाइव क्लास लेते हैं वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती। वो तुम्हें अभी एहसास नहीं होगा, पर जिस दिन तुम पेपर दे के आ जाओगे उस दिन तुम्हें ये एहसास होगा कि मैंने अपनी लाइफ के कितने इंपॉर्टेंट घंटे बर्बाद कर दिए। मैंने ऑनलाइन क्लासेस, मैंने आज तक मैं हो गया, मैंने एक वीडियो लिया था ऑनलाइन लाइव कि देखूँ ये कितना कंटेंट दिखाते हैं। ये 1 या 1.5 घंटे पढ़ाते रहते हैं और कंटेंट 10% भी नहीं देते हैं ऑफलाइन के मुद्दे में, कंपेयर में। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आपको पढ़ना है तो जो ऑफलाइन वीडियो हो जाए उसको 2 की स्पीड में लगा करके बस कंटेंट जो आपको चाहिए वो देख करके ख़त्म कर दो, ज़्यादा यूट्यूब पर मत रुको, अन्यथा ज़्यादा रुकोगे तो इसका नुकसान सीधा सीधा तुम्हारे एग्ज़ाम में पड़ेगा, रोगे भाई साहब रोगे, मैं लिटरली बता रहा हूँ इस बात को, मानो अन्यथा ना मानो। अब क्या फ़ायदा होता है ऑफलाइन पढ़ने का? ठीक है, दूसरी चीज़ ये भी है कि भाई साहब टीचर की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। यहाँ पर आए अरे गहरे नक्तू कह रहे हैं, कोई भी टीचर आके आप पढ़ा रहा है, जिसको जिसने कभी कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया, जिसने कुछ भी नहीं किया, आप जाहिर सी बात इतनी अकेडमियाँ हो गई हैं कि आ भाई साहब तुमको थोड़ा पढ़ाना, अच्छा तुम्हारे फॉलोवर है, आओ भाई साहब आओ पढ़ाओ आकर के, कुछ ना कुछ तो कोर्स बिकेगा ही, इस बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, और वो फेमस भी किस बेस पे हुए तुम जानते हो, उससे कोई मतलब तो भैया बचो, क्योंकि तुम्हें फेमस नहीं होना, तुम्हें एग्ज़ाम सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन फेमस होना जैसा नहीं होता। ठीक है, वहाँ पर दम लगती, दर्द होता, दर्द। ठीक है, चलो खैर अलग चीज़। एक चीज़ और, अब मैं ऑफलाइन पर इतना जोर क्यों दे रहा, ऑफलाइन मीन्स आप ऑफलाइन कोचिंग मत जाएं। अब तो ऑफलाइन का नुकसान ये भी, नुकसान भी समझो, ऑफलाइन का नुकसान यदि आप ऑफलाइन कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो जाना और आना कम से कम 2 घंटा बर्बाद, यदि आप आपके घर से 5-10 किलोमीटर दूर है तो। ठीक है, कभी कभी पास भी होता, खैर अलग चीज़ है, तो 1 घंटा मिनिमम मान के चलो, 1 घंटा जाओगे यानी बर्बाद होगा, फिर उसके बाद आओगे आराम भी तो करोगे, बिना तुरंत पढ़ने तो बैठोगे नहीं, तो मतलब ये मान के चलो पूरे दिन में थकान भी होती है, वो सारी चीज़ें, तो इसलिए ऑफलाइन मैं थोड़ा सा प्रेफर नहीं करूँ, कोचिंग की बात कर रहा हूँ। पर यदि आपके पास ऑफलाइन मटेरियल है तो वेल एंड गुड है,
उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। किताबें पढ़ने को मैं क्यों बोलता हूँ, किताबें जब आप पढ़ते हैं तो आप वो एनालाइज करते हैं जो आपको वीडियोस में नहीं दिखता है, या फिर टीचर नहीं बताता है, या फिर टीचर बताना ही नहीं चाहता, या फिर उसको आता ही नहीं है। किताबें आपको वो सिखाती हैं। आप यदि आज पढ़ रहे हैं कोई बुक, हिंदी पढ़े, मैथ पढ़े, रीजनिंग पढ़े, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन किताब से ही पढ़ें। यदि दिन में आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो उसमें केवल केवल 1 से 2 घंटा आप ऑनलाइन दे सकते हैं बहुत गिरी हालत में, बाकी 8 घंटा आप ऑफलाइन दें, मतलब बुक्स से पढ़ें। इस चीज़ को मत जोड़ा। आज मैं देखता हूँ, पूछता हूँ बच्चे कितने घंटे पढ़ते हो, कहते सर हम तो 10-12 घंटे पढ़ते हैं। मैंने कहा वीडियोस कितने घंटे सर देखते हैं भाई, 7-8 घंटे। अबे हमने कहा फिर पढ़ना क्या हो गया, 7-8 घंटे आपने वीडियो देख लिए, आपका पेन तो चला नहीं, और जो टीचर बताता रहा उसी को आपने कर लिया। मैंने देखा टीचर्स मैथ्स के ऐसे से छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहे हैं, यही बेटा आएगा, यही आएगा, भाई सब धुआं हो जाएगा। इसलिए ऑफलाइन पे ज़्यादा डिपेंड रहो, ऑनलाइन से बचो, और ख़ास तौर से लाइव क्लास से बचो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यूट्यूब छोड़ दो, मैं ये कहता हूँ लाइव क्लास से बचो, जितना हो सके लाइव क्लास को इग्नोर करो। ऑफलाइन मतलब बुक से पढ़ो भाई साहब, सिलेक्शन हमेशा बुक से हुआ है। मैंने सर्वे की बात कही यहाँ पर, उन्होंने जितने भी और भी कई टॉपर हैं यार मेरे परिचित में, तो बस सब बुक से ही पढ़ते हैं। अब मैंने ये नहीं सुना कि तो ऑनलाइन पढ़ के उन्होंने टॉप कर दिया, ठीक है। वो पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट हो सकता है जिससे बहुत अच्छा टीचर है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा, वो भी जब बहुत आप हार्ड वर्क करेंगे, यानी आप बिना पेन उठाए सोचो आप कुछ कर लो तो पॉसिबल नहीं। और आज बच्चा बिना पेन उठाए एग्ज़ाम निकालना चाहता है, जो आज की सदी में पॉसिबल नहीं है। और UPSI जैसा एग्ज़ाम तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर सारा काम होता है रिटन वर्क का। जितना लिखोगे उतना याद होगा। हिंदी भी ज़बरदस्त है, रीजनिंग तो माशाल्लाह भाई साहब, यदि आप इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो भाई साहब आप रोने वाले हैं पेपर में। बाकी आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे बुरी लगे डजंट मैटर, भाई यही सत्यता है। ऑनलाइन से जितना हो सके बचें, जो मटेरियल भी दिया जा रहा है मैं कहूँगा कि आप उससे भी थोड़ा बहुत बचें। मुझे पता है भाई साहब 90% लोग जो PDF दी जाती है वो पढ़ते ही नहीं है। 90% PDF आपके सेलफोन में वैसे ही वैसे पड़ी होती, क्योंकि आपको नहीं पसंद है भाई साहब, क्योंकि मोबाइल एक मनोरंजन के तौर पे देखा जाता है, ना कि स्टडी के तौर पे। और ये थॉट्स आपके दिमाग से इतने जल्दी बदलने वाले नहीं है, ठीक है, इतने जल्दी नहीं। आप मोबाइल क्यों उठाते हैं, क्योंकि आपका मनोरंजन हो, आप टाइम पास करो, आप किसी से बात करो, आप कुछ और करो। किताब आप क्यों उठाते हैं, किताब आप पढ़ने के लिए उठाते हैं, उसके पीछे कोई और मुद्दा नहीं है। आप ये नहीं उठा रहे किताब, इसलिए नहीं उठा रहे कि आपका मनोरंजन होगा, समझे कि नहीं। आप यदि चाहो तो ये बात आप बेहतर जानते हो। और जब आप किताब पढ़ते हो ना, जब आप किताब पढ़ते हो भाई साहब, तो उस किताब से जब आप कोई चैप्टर पढ़ लिए ना, तो किताब से जो पढ़ा वो तो ठीक है, मगर आप जब उसको बैठ के 5 मिनट एनालाइज कर लोगे ना, तो अरे यार ये स्पेशल चीज़ इसमें थी, अरे भाई साहब। पर वो चीज़ आप वीडियो में यानी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि वीडियो में तो वही व्यक्ति बता रहा है ना जिसको उतना पता है, उससे ज़्यादा उसको पता ही नहीं है, तो वो कैसे आपको बताएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से शायद आपकी आँखें कुछ खुली होंगी, है नहीं, और ट्राई करूँगा कि आपको कुछ समझ में आए, है नहीं, और बढ़िया से आप अपनी प्रिपरेशन करें और फर्स्ट क्लास अपनी हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, पेन चलाएं खूब धुआंधार तरीके से, और सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बढ़िया हो जाएंगी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। बाकी आप चाहे तो एडवाइस लें, चाहे तो आप अपने हिसाब से करें, आपकी इच्छा है। थैंक यू सो मच।